मैं केवल आपको कहना चाहता हूँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र असली अगर कोई कहे वो युद्ध का क्षेत्र। और मैं एक बहुत मेरी अच्छी किस्मत रही है कि पिछले कोई 37 वर्ष मैंने सेना में एज एन ऑफिसर सेवा करी है, और आज से ठीक 44 वर्ष पूर्व हम लोग जो थे वो कमीशन हुए थे। तो मैं सिर्फ आज की पीढ़ी से, खासकर जो हमारे बच्चे हैं, उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, खास कहना चाहता हूँ। ये बहुत समृद्ध देश रहा है भारत, दूध की यहाँ, घी की यहाँ नदियाँ कहते हैं बहती थी, सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था, धन धान्य से भरी थी ये वसुंधरा, कभी यहाँ भुखमरी नहीं हुई, वो अंग्रेजों के आने के बाद ही हुई, कभी भुखमरी नहीं हुई इस देश में हमारे। लेकिन जो हमारी समृद्धि थी, जो धन धान्य से भरा था, जो सोना था हमारा, वो कहाँ गया? आप जानते हैं, ऊंटों पे लाद लाद कर विदेशों से हत्यारे यहां पे आए, आपकी नगरियों को जला के राख कर दिया, गलों के मुंडों के सिर के ढेर लगा दिए वहां पे, और आपका सोना ऊंटों पे लाद लाद कर वो लोग ले गए इधर से, इस देश से ऊंटों पे लाद के लद के आपका सोना गया। जो औरतों बच्चों के साथ हुआ वो तो खैर मैं कहना नहीं चाहता, और ये 100 वर्ष नहीं, 200 वर्ष नहीं, ये पिछले 10 सदियों की ये गाथा है, एक के बाद एक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह, उसके बाद फिर ये अंग्रेजी घोरे जंगे लाट, यहाँ भुखमरी इतना लूटा आपको कि आपके देश में जहाँ धन धान्य रहता था, जहाँ सोना चांदी ऐश्वर्य साधन सब रहते थे, क्या कमी है इस देश में, क्या कमी, इतनी उपजाऊ धरती है ये, इतनी उपजाऊ वसुंधरा है ये, धन धान्य से ये लहलाती रहती है। यहाँ वालों ही नहीं नहीं खाया, बाहर वालों ने आके खा के ले गए, और जब वो खसोट खसोट के लेके जाने पड़े तब यहाँ से चीत्कार उठी। नालंदा के विश्वविद्यालय में कहते हैं लाखों पुस्तकें थी, और ये विदेशी आताताई जब आए तो इन्होंने आग लगाई वहां, 6 महीने वो आग नहीं बुझी, इतनी किताबें थी वहां पे आपकी, इतना ज्ञान था आपका। तो मैं पूछता हूं, अगर आप अपने ज्ञान की, अपने धन धान्य की, अपनी औरतों बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो क्या फायदा उसका, उस संस्कृति का क्या फायदा? जब आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते विदेशी आताताइयों से, हमलावरों से, और आज के देखिए हमारे बच्चे हैं, हमारा देश फिर इस दुनिया में उभर कर आगे आ रहा है, जो लहर नीचे जाती है उसका फिर से उठना स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है। हजारों सालों से हम लोग महाराज कृष्ण, श्री कृष्ण महाराज का उपदेश पढ़ते आए हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं, हम असली में विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर हम विश्वास करते, अगर हम विश्वास करते तो क्या 10 हजार साल हम लोग गुलाम रहते? ये जो पीछे 10 सदियां हमने गुलामी की निकाली, क्या हम लड़के मर नहीं जाते, मरने से डरते? देखिए यही मैं बच्चों को बोलता हूं, यही मूल्य हमको सीखने हैं, और सबसे पहले एक मूल्य सीखना है, वो है मेरा देश मेरे लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं, वो मेरे लिए एक भावना है, माई कंट्री इज नॉट अ पीस ऑफ अर्थ, इट इज एन इमोशन फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू फाइट, टू किल एंड टू डाई इफ नेसेसरी। ये भावना अगर आपके बच्चों में होगी तो आपका देश ऊपर जाएगा, नहीं तो आप जितनी भी तरक्की करें, जितनी भी आईटी आए आपके यहां, जितनी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आए, सब बाहर वाले आएंगे, लूट के ले जाएंगे आपका, जो हाल पहले किया था वो फिर करेंगे। अगर आप अपने आप को बचाना नहीं सीखेंगे, आप अपनी रक्षा खुद नहीं करनी सीखेंगे, अमेरिका आपके लिए नहीं आके लड़ेगा, जापान नहीं लड़ेगा, ना कोरिया ना कोई और देश, आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। और आजकल मुझे दुख होता है
हमारे लड़के डिस्को डांसिंग करते हैं पूरी रात पसीना पसीना होके आ जाएंगे, डांडिया करेंगे पूरी रात पसीना होंगे। हम बोलेंगे चलिए बॉक्सिंग करिए, रेसलिंग करिए, कराटे जूडो करो, तो नहीं आता को, कोई नहीं आता, सब यही करना चाहते। अगर सब यही करेंगे, मैं नहीं कहता कि आपको, अगर मुझे डांस करने का टाइम नहीं मिला तो आपको भी डांस नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन कुछ आदमी आप में से आने पड़ेंगे जो अपने देश की रक्षा करेंगे, और आप सेना में आए या ना आए, अपने देश के प्रति आपको प्यार होना चाहिए। मैं खासकर यहाँ बैठे छोटे बच्चों के लिए एक कहानी बताता हूँ कि एक बारी स्वामी रामतीर्थ महाराज जापान गए। ध्यान से सुनना बच्चों, बड़ी अच्छी कहानी है। एक बारी स्वामी रामतीर्थ जापान गए वेदांत का के बारे में जो है व्याख्यान देने। वो रात को आए अपने होटल, तो वो खाना आना बंद हो चुका था, वो बेचारे भूखे रह गए। उनको बोला साहब खाना नहीं है स्वामी जी। वह कोई बात नहीं, वो संतोष करके सो गए। सुबह उठ के वो जल्दी, उनको होंशु से होकाकाइडू के द्वीप में जाना था बच्चों। वो होंशु से होकाकाइडू द्वीप के लिए वो सुबह उठ के दौड़े, तो तब तक ब्रेकफास्ट नहीं बना था होटल में, वो बगैर ब्रेकफास्ट के नाश्ते के वो गए। दौड़ते दौड़ते गए वो जहाँ पे फेरी जाती थी, और बोला टिकट, तो बोले स्वामी जी कौन सी टिकट चाहिए, एक येन की या डेढ़ येन? तो बोले साहब कोई सीट में फ़र्क? बोले नहीं। तो उन्होंने एक येन की टिकट ले ली। सब लोग पैसे बचाना चाहते हैं ना साहब, तो उन्होंने एक येन की टिकट ले ली। एक येन की टिकट लेके वो बोट में बैठ गए। वो बोट में बैठ गए साहब, तो उसके बाद वो चलनी शुरू हुई। दोपहर के 12 बजे स्वामी जी को भूख लग रही थी, उन्होंने जो स्टाफ था किश्ती पे फेरी पे उसने लंच देना शुरू किया प्लास्टिक ट्रेस के अंदर। स्वामी जी के दाएं वाले को लंच मिला, बाएं वाले को लंच मिला, आगे वालों को मिल गया, पीछे वालों को मिल गया, और हर बारी स्वामी जी के नाक के नीचे से अच्छी गर्म महकता महकता खाना जाता था। तो स्वामी जी बेचारे अब थोड़ी देर तो देखते रहे, फिर वो अब भाई चाहे सन्यासी हो चाहे कोई, भूख तो सबको लगती है ना। तो उन्होंने फिर बोला वेटर इधर आइए। बोले मेरा खाना कहाँ है, आपने सबको खाना दिया, आपने मुझे खाना नहीं दिया। तो वेटर पूछा व्हाट टिकट डिड यू बाय, कौन सी टिकट खरीदी आपने? तो वो बोले 1 येन। बोले नो लंच विद 1 येन, टिकट लंच ओनली विद 150। अब स्वामी जी को गुस्सा आ गया, भाई इंसान है जो भी है, तो वो हमको गुस्सा, बड़ी जोर से गुस्सा आया, चिढ़ गए बिल्कुल बेचारे। तो बोले अच्छा मुझे सपना आना था कि एक येन पे लंच नहीं है, डेढ़ येन पे जाने, आपने कोई बोर्ड लगा रखा है वहाँ, मैं दूसरे देश से आया हूँ, मुझे सपना आएगा क्या है? आप क्यों नहीं लगाते वहाँ पे बोर्ड? कैसे लोग हो साहब आप, कैसे भाइयात लोग हो? अब यही व्हाट अ फनी कंट्री इज जापान। और वो गुस्से में कुड़ के वो ऐसे बैठ गए। तो उन्होंने फिर बोला अच्छा नाउ प्लीज टेक 50 येन एंड गेट मी 1 लंच। कहता सॉरी I only buy that many lunch tickets as people buy 150. जितने 150 लोगों ने टिकट ली उतना ही मैं लंच लेके आया हूँ, तो मैं फिर विला गेट लंच, मुझे लंच कहाँ मिलेगा? बोले इन द इवनिंग होकाकाइडू, शाम को 7:30 बजे जब होकाकाइडू पहुँचेगी। स्वामी जी गुस्से में चिढ़ के ऐसे करके बैठ गए। ठीक है बच्चों, स्वामी जी गुस्से में चिढ़ के ऐसे बैठ गए। तभी उनको पीछे से किसी ने टैप 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 किया उनके कंधे पे, राइट? उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक जापानी लड़का 13 या 14 साल की, जिसकी उम्र, रेशमी बाल उसके माथे पे आए हुए, मोटे मोटे चश्मे लगाए हुए, कौन? एक जापानी लड़का 13-14 साल का, कोई स्कूल का लड़का था। उसने स्वामी जी के पीठ पे टैप किया और बगैर कुछ बोले अपने जो लंच की ट्रे थी वो उनके नाक के नीचे रख दी और केवल एक शब्द बोला ईट, खाओ खाओ। स्वामी जी हैरान हो गए। वो बोले कि बेटा ये तो आपका है, मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो आपने, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नो, उन्होंने वापस कर दिया, राइट? वो जो लड़का था वो फिर खड़ा हो गया। वो लड़का बैठा हुआ था ना पहले, वो खड़ा हो गया, उसका मुंह टमाटर जैसे लाल हो गया। उसने फिर स्वामी जी के कंधे पे ऐसे किया और इस बारी लंच की ट्रे ली और बोला ईट। अब साहब ईट और ईट में आप फर्क समझते हैं ना? चुपचाप स्वामी जी ने उससे ट्रे ले ली
और बोला बेटा मैं खा लेता हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बताइए आप मुझे दे क्यों रहे? Why are you giving your tray of food to me? This is yours. क्या बोला वो लड़का मालूम? क्या बोला वो लड़का? He said twice in the last 5 minutes. You have said what a funny country is Japan. अरे साहब पिछले 5 मिनट में आपने 2 बार ही बोला है क्या बेहुदा देश है जापान. क्यों? क्योंकि आपको खाना नहीं मिला तो you eat my food. Right? You eat my bloody food, but you shut up. You shut up about Japan. तुम्हें खाना नहीं मिला, तुम मेरा खाना खाओ. लेकिन अगर साहब आपने जापान के बारे में एक शब्द बोला, आपके लिए ठीक नहीं होगा. बेटा मैं बहुत गंभीर सवाल आपसे पूछता हूं. मान लीजिए आप एक सेकंड क्लास स्लीपर ट्रेन में जा रहे हैं और ऐसा कोई वारदात होता है कि एक विदेशी को खाना नहीं मिलता, सबको खाना मिल जाता है, राइट? तो हम में से हम क्या करते उस वक्त? हम लोग चुपचाप मुंह मोड़ के वहां बैठ लेते, और या हम में से कोई बोलते हाँ साहब बहुत बेकार देश है ये, मैं भी साहब इमिग्रेट करने की सोच रहा हूँ, कैनेडा जा रहा हूँ, हाँ साहब मैं भी जो है अमेरिका जाऊंगा, बहुत बेकार देश है. तो आप जाइए, अब दबा हो जाइए, रहने दीजिए हमको हमारे भाग पे, हम जैसे हैं तैसे हैं, अच्छे हैं, और हम जैसे रक्षा करेंगे इस देश की. वी विल फाइट फॉर दिस कंट्री, वी विल डिफेंड दिस कंट्री. और मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, 37 साल लड़के आया हूं, कितने लोग मैंने अपने दाएं और बाएं गोली खाते देखे, मैंने लोगों की अंतड़ियां बाहर आते देखी, और हाथ से अपने वो लोग, बेचारा लड़का जिसको चोट लगी है, पेट में गोला लगा है, वो अपने हाथ से अपनी अंतड़ियां अंदर कर रहा है. ये नज़ारे मैंने देखे, इसलिए मुझे दुख होता है जबकि लोग इस देश की कदर नहीं करते. मैं कहता हूं ये जरूरी नहीं कि आप में से हर कोई बच्चा, हर किसी के बच्चे सेना में जाएं, हर किसी के बच्चे आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाएं, लेकिन ये नहायत जरूरी है कि हम लोग देशभक्त हो, हम लोग अपने देश की इज्जत करें, हम लोग अपने देश के लिए फील करें. और वो तभी हो सकता है जबकि आप इस जमीन को, इस सरजमीन को एक मट्टी का अजीवित टुकड़ा मत समझो. ये जीती जागती मां है तुम्हारी और मेरी, रोते हैं तुम और मैं इसको अपने पांव से, फिर भी ये तुमको और मुझे, ये हमको स्थापित रखती है, ये धारित करती है. ये भावना जब तक नहीं होगी इस देश में, आप लड़ेंगे नहीं.